एक दौर था जब सनी देओल बड़े पर्दे पर अपने 2.5 किलो का हाथ दुश्मनों पर उठाया करते थे। लोग सीटियां बजा कर उनकी फिल्मों को एंजॉय किया करते थे। बीच में सनी का ये जलवा फीका सा पड़ गया था, लेकिन गदर 2 की शानदार सक्सेस के बाद एक बार फिर से सनी को उनका खोया हुआ स्टारडम वापस मिल गया है। तारा बनकर सनी पाजी एक बार फिर से पाकिस्तान गए और अपने बेटे को वापस भारत लेकर लौटे। लाहौर 1947 इस फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। सनी देओल और प्रीति जिंटा लाहौर 1947 में लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म का ऐलान किया जा चुका है। अब आमिर इस पिक्चर के प्रोड्यूसर हैं, तो वह खुद भी हर चीज पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। माना जा रहा है लाहौर 1947 रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर पैसों की तूफान लेकर आएगी। नितेश तिवारी की रामायण पर जोरों शोरों के साथ काम चल रहा है। बड़े बजट के साथ बन रही इस फिल्म में रणवीर कपूर भगवान राम और सई पल्लवी माता सीता के रोल में नजर आने वाली है। वही खबरें ये है कि नितेश तिवारी ने फिल्म में भगवान हनुमान के रोल के लिए सनी देओल को फाइनल किया है, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। माँ तुझे सलाम 2 सनी देओल को देशभक्त के रोल में दर्शक काफी पसंद करते हैं। ऐसे में उनकी फिल्मों के दूसरे पार्ट की लिस्ट में फिल्म माँ तुझे सलाम का नाम भी शामिल है। इस फिल्म के लिए सनी देओल के फैंस काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म का पहला पार्ट भी काफी पसंद किया गया था। फिल्म अपने को दर्शक ने काफी पसंद किया था। लंबे वक्त से फिल्म के दूसरे पार्ट पर चर्चा जारी है। पहली फिल्म में जहां सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र नजर आए थे, वहीं माना जा रहा है अपने 2 में सनी और बॉबी के बेटे भी नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि सनी देओल की फिल्म सफर भी लंबे वक्त से चर्चा में बना हुआ है। माना जा रहा था कि सनी की इस पिक्चर में सलमान खान स्पेशल कैमियो करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि लंबे वक्त से इस फिल्म को लेकर कोई नया अपडेट सामने नहीं आया है। ऐसे ही मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब करें।